वेलकम फ्रेंड्स लकी इलेक्ट्रॉनिक्स लैब पे। तो ये है हमारा होममेड इलेक्ट्रिक गीजर जो कि ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ऑन हो जाता है। तो देखिए इसे लगाने के लिए देख सकते हैं सिंपली ये वाला जो हमारा कनेक्शन पाइप होता है ये दो लगा हुआ है, और ये जो है ये हमारा जो पेंट वाला बॉटल होता है जो पेंट के लिए हमें मिलता है बाल्टी, ये वो बाल्टी है। तो इसमें हमने ये हाफ इंच का जो टंकी वॉल होता है वो लगाया हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो गर्म पानी है वो इस पाइप के थ्रू हमारे नल पे जाता है, और ये देख सकते हैं ये बॉटल का कट पीसा जो हमने इसमें इलेक्ट्रिक उसको हीटर को ढकने के लिए लगाया हुआ है। तो इसे मैं खोल के दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक रॉड लगा हुआ है, जो रॉड हमारे गीजर पे लगा होता है ये वही रॉड है, और ये जो हमारा है थर्मोस्टेट है जो हमारे पानी को गर्म होने के बाद ये इस रॉड में करंट देना बंद कर देता है, मतलब कि ये हमारे इस हीटर को वाटर हीटर को ऑटोमेटिक बनाता है। तो ये थर्मोस्टेट है। तो इसमें यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा टेम्परेचर सेट करने का है, इसको यहाँ से घुमाएंगे तो ये हमारा टेम्परेचर सेट करता है। तो इसका कनेक्शन डायग्राम भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें ये जो हमारा है ये हीटिंग कॉइल है, मतलब जो पानी गर्म करने वाला रॉड होता है ये वो है, और ये जो है ये हमारा थर्मोस्टेट है जो ऑटोमेटिक पानी गर्म होने के बाद इसको ऑफ कर देता है, और यहाँ से हमारा प्लग कनेक्ट है। तो यहाँ से जब हम इसे फेस से कनेक्ट करते हैं देख सकते हैं इसमें एक फेस वाला जो है वो हमारे थर्मोस्टेट से कनेक्ट होता है। उसके बाद इसका थर्मोस्टेट में जो दो पिन होते हैं उसका सेकेंड पिन हम इस हीटिंग कॉइल के एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, उसके एक ऊपर वाले पॉइंट से जो हमारा अर्थिंग होता है वो कनेक्ट होगा, और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट इस पे प्लग से निकल के हमारे हीटिंग रॉड पे ये कनेक्ट होता है। तो जैसे ही हम इसको प्लग ऑन करते हैं तो हमारा फेस ये हमारा अभी ऑन कंडीशन में होता है, और हमारे ये गर्म होने लगता है, मतलब ये पानी को गर्म करने लगता है। जैसे ही हमारा पानी पूरा गर्म हो जाता है तो ये जो थर्मोस्टेट है यहां से इसे क्लोज कर देता है, उसके बाद यहां से फेस आगे जाने बंद हो जाता है। तो ये है जो हमारा ऑफ कंडीशन पे चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। तो देख सकते हैं ये वाला जो है हमारा इस हीटर पे पानी जाने के लिए वॉल है, इसको ऑन करते ही यहाँ से ये होते हुए यहाँ से हमारा इस पे पानी जाता है। चलिए अब इसके ऊपर से देखते हैं। तो देखिए ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा छेद छोड़ा हुआ है, ये हमारा ढक्कन है, इसे निकाल दिया जाता है। तो इसे निकालने के बाद देख सकते हैं इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ये हमारा सिस्टर्न वॉल है। यहाँ से हमारा पानी जब इस पे जाता है तो जैसे ही ये हमारा इस पे पानी फुल भर जाता है तो ये ऊपर हो जाता है, तो हमारा पानी इस पे आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं नीचे हमारा जो रॉड लगा हुआ है तो ये रॉड पे पानी जम गया हुआ है, क्योंकि इसे मैंने बहुत समय पहले लगाया हुआ था, करीब एक साल पहले, उस समय ये वीडियो मैंने नहीं बनाता था। तो इसे अभी मैंने सफाई के लिए निकाला तो मैं सोचा इसका वीडियो बनाता हूँ। और देख सकते हैं नीचे जो हमने ये वाला पाइप लगाया हुआ है तो ये थोड़ा ऊपर उठाया हुआ है जो नीचे से हमारा गर्म पानी जाता है, क्योंकि इससे हमारा जो ये वाटर है देख सकते हैं अभी इतने तक में रुक गया है, क्योंकि जब हम नीचे का गर्म पानी लेते हैं नल के थ्रू तो इससे क्या होता है
कि हमारा जो इसमें का बाल्टी का पानी है वो इसके नीचे नहीं जाता, और जो ये रॉड है इस पे पानी हमारा इससे नीचे नहीं होता, तो इसमें सूख नहीं पाता है, तो हमेशा ये ऑन रहता है, तो पानी उसके नीचे नहीं जाने से रॉड हमेशा पानी के अंदर ही होता है, तो इसलिए इसको इतना थोड़ा सा ऊंचा उठाया गया है। तो चलिए मैं इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ। हमारे इस वॉल को चालू करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से पानी आने लगा है। उसके बाद पानी भरने के बाद देखिएगा ये ऑटोमेटिक ऐसे ऊपर होके बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये पानी भरने से ये पूरा ऊपर आ गया है और हमारा पानी आना बंद हो चुका है। तो उसके बाद देखिए जो ये ढक्कन था, मैंने ढक्कन के ऊपर पे ये छेद इसलिए किया था कि ये पूरा ऊपर आ सके, नहीं तो ये इतने में दबे रहता तो फिर हमारा पानी बंद नहीं होता। तो ये पूरा ऊपर आ गया। इसके ऊपर से एक और कवर है जो ऊपर से ऐसे करके लगता है, उसको अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए इस वायर पे करंट आ रहा है और यहाँ पे इस पे भी जा रहा है, पर हमारे पानी में कोई करंट नहीं है, तो इसमें करंट लगने का झटका मतलब डर नहीं है, बशर्ते आपके होम कनेक्शन पे अर्थिंग होना चाहिए। अर्थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए।